क्रिटिक्स का क्रिटिक। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन सबसे बड़ी मूवियों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सबसे पहली मूवी है जो कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं दोस्तों दूसरी मूवी है जो कि रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया। दोस्तों तीसरी मूवी की बात करें तो तीसरी मूवी है जो कि अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो आप लोगों को पता ही चलेगी केजीएफ चैप्टर 2 जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे जोरदार और शानदार देखे जाने वाली फिल्म है। इस मूवी को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था ऑडियंस की तरफ से। आप लोगों को पता चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, जिस मूवी का तीसरा भाग आप लोगों को देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बात करें केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में तो आप लोगों को पता चले कि इस मूवी में आप लोगों को जो कि रॉकिंग स्टार यश और वहीं संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन जैसे एक्टर नजर आए थे। केजीएफ चैप्टर 2 का बजट बहुत ही जोरदार था, और वहीं आप लोगों को बताए चले कि इस मूवी ने कलेक्शन भी बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से किए थे। हालांकि केजीएफ चैप्टर 2 का बस बहुत ही जोरदार बना हुआ था, क्योंकि इस मूवी को पेन इंडिया में रिलीज किया गया था, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि पेन इंडिया में रॉकिंग स्टार यश की पहली ऐसी मूवी है जिस मूवी को रिलीज किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कि संजय दत्त का किरदार था अधीरा का, अधीरा किरदार को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, और इसी किरदार के कारण इस मूवी का क्रेज और भी बना हुआ था। हालांकि रॉकिंग स्टार यश का भी क्रेज बहुत ही जोरदार था, क्योंकि उनके गजब के लुक दिखाए गए थे केजीएफ चैप्टर 2 में, और साथ ही साथ रॉकिंग स्टार यश की जो कि एक्टिंग बहुत ही जोरदार थी, चाहे वो एक्शन सीन हो चाहे वो दोस्तों डायलॉग सीन हो, बहुत ही औसम और बहुत ही जोरदार हो। प्रशांत नील ने वाकई में केजीएफ चैप्टर 2 के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी। अब बात कर लेते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को पता चले कि केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले ही दिन 26 करोड़ रुपए का कारोबार किया था बॉक्स ऑफिस पर। दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने 16 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस मूवी ने ओवरसीज मार्केट में 206 करोड़ रुपए का कारोबार किया, और साथ ही साथ इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन जो कि 859 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस फिल्म ने बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार मूवीज भी साबित हुई थी केजीएफ चैप्टर 2। दोस्तों अगर आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी है तो आप लोगों को केजीएफ चैप्टर 2 मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो दूसरी मूवी है जो कि आज ही के दिन सिनेमा घरों में रिलीज करी गई फिल्म, सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता चले कि चुप मूवी को आज के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, और इस मूवी का क्रेज बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ था, और इस मूवी ने अपने पहले ही दिन जोरदार तरीके से ओपनिंग भी ली। आप लोगों को बता दें कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी को बहुत ही जोरदार तरीके से रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस की तरफ से, और वहीं दोस्तों पब्लिक ने भी अच्छे खासे रिव्यू दिए जो कि चुप मूवी को। आप लोगों बता दें कि इस फिल्म में आप लोगों को पूजा भट्ट, श्रेया धनवंतरी और दुलकर सलमान जैसे एक्टर नजर आए थे जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से एक्टिंग करते हुए। आप लोगों ये भी बताया चले कि इस मूवी को जो कि डायरेक्ट किया था आर बाल्की ने, और आर बाल्की की हर फिल्म है जो कि ऑडियंस देखना पसंद करती है, और चुप मूवी को ज्यादा ही क्रेज मिला, और चुप मूवी जोरदार और शानदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है। आप लोगों को बता दें कि इस मूवी को पब्लिक रिव्यू भी अच्छे खासे मिले। बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले चुप मूवी अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। दोस्तों अगर आप लोगों ने चुप मूवी देखी है तो आप लोगों को चुप मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वहीं बात कर लेते हैं तीसरी मूवी के बारे में। तो तीसरी मूवी है अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा मूवी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि पुष्पा मूवी जो कि जोरदार शानदार तरीके से पैन इंडिया में रिलीज करी गई थी, और अल्लू अर्जुन की यह पहली ऐसी मूवी है जिसे पैन इंडिया में रिलीज किया गया, और पैन इंडिया में रिलीज होते से ही इस फिल्म ने बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन किए बॉक्स ऑफिस पर और सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि इसका दूसरा चैप्टर भी बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा, और वहीं दोस्तों आप लोगों को पता चले कि पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन का लुक बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही जोरदार था।
अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी में जो कि चंदन की तस्करी करते हुए नजर आए थे। दोस्तों वही बात कर लेते हैं पुष्पा मूवी के जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इससे पहले आप लोगों को बताए चले कि पुष्पा मूवी में आप लोगों को रश्मिका वंदना अल्लू अर्जुन स्टारर नजर आए थे, जो कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका वंदन की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद भी किया था पब्लिक ने। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दें कि पुष्पा मूवी ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। और वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से 41 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दोस्तों वहीं इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 36 करोड़ रुपए का कारोबार किया और वहीं इंडिया नेट कलेक्शन इस फिल्म ने 313 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है और साथ ही साथ चुप मूवी देख ली और वहीं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी है तो आप लोगों को ये तीनों मूवियों में से सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।